पश्चिम बंगाल में विधानसभा की कुल 294 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें तृणमूल कांग्रेस ने 213 सीटें जीती। ममता बनर्जी एक बार फिर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी। लेकिन अब खबरों में छाई हुई है हिंसा, जो चुनाव परिणाम आने के बाद पश्चिम बंगाल में शुरू हुई। खबरों के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच कई जगहों पर हिंसा देखने को मिली है। सोशल मीडिया इस पूरे मामले में खासा एक्टिव है। तमाम खबरें और वीडियो शेयर किए जा रहे हैं, जिन्हें इस हिंसा का बताया जा रहा है। लेकिन क्या सभी शेयर किए जा रहे वीडियो बंगाल में हुई हिंसा से ही जुड़े हैं? जवाब है नहीं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जा रहा है, जिसमें भीड़ को पुलिस वालों पर हमला करते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो को चुनाव के बाद हुई हिंसा का बताया जा रहा है, मगर मामला कुछ और ही है। जब हमने YouTube पर कुछ कीवर्ड सर्च किए तो ये वीडियो कनक न्यूज के YouTube चैनल पर 13 जनवरी 2021 को अपलोड किया गया था। कैप्शन के मुताबिक, भद्रक शहर में पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति की मौत से नाराज स्थानीय लोगों ने पुलिस पर हमला किया था। बता दें कि भद्रक ओडिशा राज्य का एक जिला है। कलिंगा टीवी ने भी इस घटना को रिपोर्ट किया था। आपको इस वीडियो के पीछे जो घटना है वो भी बता देते हैं। हमारा सोर्स है 14 जनवरी 2021 की द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट। भद्रक जिले की पुलिस गांव में अशोक मलिक से किसी पुराने केस के सिलसिले में पूछताछ करने के लिए पहुंची थी। घर पे अशोक का रिश्तेदार बापी मौजूद था और पुलिस को देख वो भाग खड़ा हुआ। पुलिस ने समझा कि अशोक भाग रहा है और वो उसका पीछा करने लगे। पुलिस से बचने के लिए बापी तालाब में कूद गया और उसी में डूबकर उसकी मौत हो गई। इसके बाद गांव वालों ने बापी का शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इसी प्रदर्शन के दौरान पीराहाट पुलिस वहां से किसी आरोपी को लेकर गुजर रही थी। गांव वालों ने इन पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया। ये इसी हमले का वीडियो है, जिसे बंगाल में हो रही हिंसा से जोड़कर शेयर किया जा रहा है। ये बात सच है कि बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, मगर सोशल मीडिया पर जो दावे किए जा रहे हैं वो सभी सही नहीं हैं। गलत दावों, भ्रामक या झूठे कैप्शंस के साथ बहुत सारा कंटेंट शेयर किया जा रहा है, जो आग में घी का काम कर सकता है और इससे और भी भयंकर हिंसा भड़कने की जमीन तैयार हो सकती है। इसलिए ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं झूठ फैलाएं और नहीं इसे फैलने दें। खबरों का आदान प्रदान बेहद सोच समझ कर करें और किसी के एजेंडे का मोहरा बनने से बचें। ऑल्ट न्यूज़ लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए है और आपको इससे जुड़ी जानकारियां देता रहेगा।